बाड़मेर शहर में बढ़ते यातायात दबाव व दुकानदारों द्वारा सड़कों पर किए गए अतिक्रमण से शहर की मुख्य मार्ग दिनों दिन संकरे होते जा रहे हैं। शहर के राजकीय चिकित्सालय के आगे मुख्य स्टेशन रोड माल गोदाम रोड पर हालात सबसे ज्यादा विकट है। बढ़ते स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद आयुक्त जल्द कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने की बात कह रहे हैं। बाड़मेर शहर में दिनों दिन बढ़ रहे यातायात दबाव के बीच जहां यातायात पुलिस व्यवस्थाएं संभालने में लाचार साबित हो रही है, वहीं दूसरी ओर मुख्य मार्गों और चौराहों के पास स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों की वजह से मार्ग दिनों दिन संकरे हो रहे हैं। इन अव्यवस्थाओं का खामियाजा शहर में आवागमन करने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को रोजाना छोटे बड़े हादसों से चुकाना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों और स्थानों पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमणों की वजह से यातायात व्यवस्था बुरी तरह चौपट हो चुकी है। ठेलों, कैबिनों और चबूतरों की वजह से हुए अतिक्रमण से करीब 20-20 फीट तक प्रमुख मार्ग संकरे हो गए हैं। इसमें रही सही कसर अव्यवस्थित यातायात पूरी कर देता है। बाड़मेर शहर में बढ़ते यातायात दबाव व दुकानदारों द्वारा सड़कों पर किए गए अतिक्रमण से शहर के मुख्य मार्ग दिनों दिन संकरे होते जा रहे हैं। बढ़ते स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद आयुक्त पवन मीणा का कहना है कि इतने दिन वार्ड परिसीमन की व्यवस्था के चलते काम नहीं हो पाया था, अब जल्द ही कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाएंगे ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। हमारा जो स्टाफ है जो अतिक्रमण का है, जो हमारा जो ऑफिस का स्टाफ है, जो भी वार्डों का जो काम चल रहा है पुनर्गठन में, तो उसमें भी लगे हुए हैं। अगले एक दो अभी दिनों में हम इस काम से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद में हम जल्दी ही फिर अब अतिक्रमण पे कार्रवाई चालू करेंगे। कोई अभियान चला रहे हैं? नहीं, अभी कोई अभियान नहीं इस तरीके से। हालांकि जो भी रूटीन में जैसे हमारे जो भी अतिक्रमण की जो भी शिकायतें आती तो उन पर हम कार्रवाई हम करते रहते हैं। शहर के राजकीय चिकित्सालय के आगे मुख्य स्टेशन रोड माल गोदाम रोड पर अस्थायी और स्थायी अतिक्रमणों की वजह से सड़कें संकरी हो गई है। अब नगर परिषद आयुक्त की ओर से अतिक्रमणों के खिलाफ जल्द कार्रवाई कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि लंबे समय से अतिक्रमणों के खिलाफ मौन धारण करने वाली नगर परिषद कब तक कार्रवाई शुरू कर व्यवस्थाएं सुधारने की कवायद करती है।